ओह भाई साहब, भाई क्या सही है। और देख रहे हो भाई क्या सही भर रहा है ना पीछे। वाओ हेलो गेमर्स, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम तो बाहर से खेलने जा रहे हैं फार्मिंग सिमुलेटर 2022। तो गाइस लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, हमने शीप के वूल को बेच करके काफी अच्छा प्रॉफिट किया था। एंड गाइस उसके बाद हमने अपने काउ बांध के ऑटोमेटिक फीडिंग सेंटर को ना ऑन कर दिया था। अभी तक वो एक्चुअली वर्किंग कंडीशन में नहीं था क्योंकि उसमें से ना कुछ चीजें मिसिंग थी, तो अभी हमने उसको फिल करके उसको ऑन कर दिया था। बाकी गाइज उसके बाद हमने दो बड़े बड़े फील्ड्स को हार्वेस्ट करके उसका जितना भी आइटम था वो अपनी चिकन कूप्स के अंदर डाल दिया था। बाकी गाइज आज वाली जर्नी के लिए मैंने बहुत सारा ग्राइंडिंग करा है क्योंकि यहाँ पे मेरे को आज बहुत ही अच्छी अच्छी मशीन को खरीदना है। तो फटाफट से गाइज आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो जल्दी से मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, होप सो आज वाली जर्नी को आप लोग एंजॉय करोगे। ऑलराइट गाइज वेलकम बैक टू माई फार्म। एंड गाइज गैस वर्ड देखो भाई, यहाँ पर कितने सारे एग्स आ चुके हैं भाई। मैंने ना काफी सारे डेज स्किप करे गाइज, तभी जाकर के मेरे को बहुत सारा पैसा भी मिला है, एंड यहाँ पे काफी सारे एग्स वगैरह भी आ चुके हैं। बट गाइज एक प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पर, मैंने ना लास्ट एपिसोड में इनमें बहुत सारा खाना भरा था, लेकिन अभी देख सकते हो आप यहाँ पे इसका ना सारा का सारा खाना खत्म हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी सारे डेज जो थे वो स्किप कर दिए थे। बट ठीक है कोई बात नहीं, इनका हम खाने का जुगाड़ दोबारा से कर लेंगे। बाकी गाइज मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि मैं एक बहुत बड़ा सा फील्ड परचेज करूंगा जिसमें वीट वगैरह लगी होगी, तो गाइज ऐसा कोई फील्ड तो मिला नहीं था मेरे को लास्ट एपिसोड में। बट मैंने ऑफलाइन में एक फील्ड ढूंढा था जिसमें बाल्ड वगैरह लगा हुआ था, वो वाला फील्ड मैंने पूरा का पूरा कल्टीवेट किया, एंड उसका जितना भी फसल था ना मैंने ले जा करके अपनी बेकरी के अंदर डाल दिया है। तो अभी मेरे को यहाँ पे काफी सारा आटा वगैरह मिल चुका है, ठीक है। तो अभी आटा वगैरह तो आ गया, लेकिन अभी भी ना वहाँ पे काफी सारी चीजों की कमी है, तो मैं अभी आपको जाकर के दिखाता हूँ भाई। बाकी एक सेकंड यार, मेरे को ना पीछे की साइड से आना चाहिए था, एंड इनका खाना भी खत्म हो चुका है यार, तो अपनी शीप्स के लिए मेरे को खाना वगैरह लेकर आना पड़ेगा। तो देखते हैं, चलो सब कुछ करेंगे धीरे धीरे करके। फिलहाल के लिए गाय का खाना भी खत्म हो चुका है क्या, क्योंकि यार काफी सारे डेज स्किप हुए हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि अपनी जो गाय का खाना है ना वो भी खत्म हो ही चुका होगा। देखो हाँ भाई, फूड वगैरह 0 लीटर हो चुका है, मिल्क यहाँ पर 40,000 लीटर पड़ा हुआ है गाइस, 40,000 लीटर, ठीक है। तो अभी मेरे को यहाँ पर साइलेज लाना है, स्ट्रो लेकर आना है, मिनरल फीड वगैरह भी लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। वो तो कोई बात नहीं, वो मैं ला करके यहाँ पर डाल दूंगा। बाकी गाइस ऑफलाइन में मैंने ना यहाँ पर थोड़ी बहुत लाइट लगा दिया क्योंकि ना मैंने रात भर काम किया था, तो यहाँ पे अंधेरा इतना हो गया था मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ा बहुत लाइट वगैरह लगा देते हैं। अभी यहाँ पर ना चांदना वगैरह रहेगा एंड अच्छा भी लगेगा ये वाला एरिया ना, ठीक है। बाकी यहाँ पर वापस से मेरे को कुछ ना कुछ प्लांट करना पड़ेगा, तो वो मैं कर दूंगा। शायद से अभी वीट की प्लांटिंग का दिन तो नहीं है, तो वीट तो मैं नहीं प्लांट कर सकता। अगर मैं कुछ और प्लांट कर सकता हूँ ना तो मैं वो ज़रूर से कर दूंगा। बाकी मैं अपनी बेकरी पे जाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई पैदल जा रहा हूँ, काश अपने पास कोई स्कूटर वगैरह भी होता ना, इस गेम में मज़ा आ जाता। बट शायद से हम यहाँ पे यार स्कूटर बाइक वगैरह परचेज नहीं कर सकते, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलो कोई ना, देखेंगे अगर यहाँ पर मैं परचेज कर पाऊंगा तो मैं ज़रूर से लूँगा। एंड यहाँ पर भी मैंने ना लाइट्स वगैरह लगा दिए ताकि यहाँ पर चांदना रहे, थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी लगाई है, थोड़ा सा उसको रियलिस्टिक वाला लुक देने की कोशिश करी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा आटा डाल दिया था, आटा कह रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारा बार्ले डाला था। देखो 23,000 लीटर इसमें बार्ली है, 23,000 तो अब हुआ है, उस टाइम पे ये कम से कम पहुंच गया था शायद से 1,00,000 के समथिंग, हाँ भाई इससे ज्यादा भी पहुंच गया था। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आटा वगैरह भी बनाया, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कराना, तो इसी वजह से शायद से वो थोड़ा सा कम हो गया। एंड जो आटा गया ना वो अपनी बेकरी के अंदर जा चुका है गाइस, ठीक है। तो अभी शायद से अपनी बेकरी के अंदर क्या क्या चीज की कमी है मेरे को वो देखनी है, शायद से एग्स की कमी होगी और शुगर की भी कमी होगी क्योंकि शुगर वगैरह पहले ही लास्ट एपिसोड में जो था ना वो बहुत कम हो चुका था। तो देखो यहाँ पर शुगर नहीं है और एग्स नहीं है, बाकी सब कुछ फुल है भाई। तो शुगर और एग्स डाल दूंगा ना तो मेरे को यहाँ पे से बहुत सारा केक मिलेगा, एंड उससे ना अपने को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा गाइज। बाकी मैं आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ मैंने कौन सा फील्ड परचेज किया था यहाँ पर, भाई वो बहुत बड़ा फील्ड था, उसके लिए ना भाई सही बताऊं मैंने पूरी रात मेहनत करी है गाइज, पूरी रात, कम से कम शायद से रात के क्या अगला दिन ही हो गया था, 12 बज चुके थे भाई, सोचो तो इतना काम किया था मैंने। एंड अपना हार्वेस्टर की हालत देखो भाई, इतना सारा हार्वेस्ट करने के बाद ना इसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है, मतलब इसको धोना पड़ेगा, इनकी मेंटेनेंस वगैरह करनी पड़ेगी। तो करेंगे गाइस धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। बाकी अभी मेरे को यहाँ पर ना अपने लिए एक फोरेज हार्वेस्टर चाहिए क्योंकि जो अपनी शुगर केन की फसल है गाइस वो भी उगकर रेडी हो चुकी है, एंड अभी अपने को उस शुगर केन से मिल जाएगा शुगर जो कि हम अपनी बेकरी में डालेंगे, उसके बाद उससे अपने को यहाँ पर केक वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखो ये है अपनी शुगर केन की फसल जो मैंने
शायद से दो एपिसोड पहले लगाई थी, उसके बाद अभी मैंने काफी सारे डेज जो स्किप करे है ना, उसकी वजह से अपने को ये मिल गया है। ठीक है, बाकी अभी मैंने जैसे कि आपको बोला है कि अपने को बार बार शुगर केन काटना है यहाँ पर, तो इसलिए मैं यहाँ पर अब फोरेज हार्वेस्टर जो है ना परमानेंटली एक परचेस कर लूंगा और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर आराम से फिर बहुत सारा शुगर केन ना काटते रहेंगे और उसको अपनी बेकरी के अंदर डालते रहेंगे। ठीक है, अभी बाकी मेरे को यार एक दो चीजें और करनी थी, वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज तो ये याद आ गई मेरे को, मेरे को आप लोगों को दिखाना था कि मैंने कौन सा फील्ड परचेस किया था। ठीक है, यहीं कहीं पर था ना, हाँ एक सेकंड, फार्म लैंड पे चलते हैं। ये देखो गाइस, ये वाला पूरा का पूरा मैंने फील्ड परचेस किया था एंड इसी वाली फील्ड से हमने पूरा का पूरा बार्ले काट के उसको ग्रेन मिल के अंदर डाला था। ठीक है, तो अभी मैं इसको वापस से सेल आउट कर देता हूँ, मेरे को अब नीड नहीं है इसकी। ठीक है, एंड इसको हम बाद में वापस से परचेस कर लेंगे जब इस पे बार्ले वगैरह उग जाएगा। जितने का मैंने खरीदा था ना, मेरे को उतने का ही वापस बेच दिया हूँ मैं इसको, एंड मेरे को इसमें कोई घाटा हुआ नहीं है, है ना। बाकी गाइस अभी मेरे को यार अपना ट्रैक्टर लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ना कुछ चीजें लेकर आनी है स्टोर से ना, तो मैं एक काम करता हूँ इस वाले ट्रैक्टर को लेकर चलता हूँ और फटाफट से ना स्टोर से कुछ चीजें लेकर आते हैं। एक तो मेरे को फोरेज हार्वेस्टर चाहिए, वो तो मैं AI से भिजवा दूंगा यहाँ पर। बाकी एक मेरे को चाहिए ट्रेलर, बहुत बड़े वाला ट्रेलर। मैं सोच रहा हूँ यार एक ट्रेलर अपने पास होना चाहिए बड़ा सा ना, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आइटम जो है अपने ट्रेलर के अंदर स्टोर कर पाऊँ। लेकिन यार मैंने ना एक गलती और कर दी यार, रुको, ट्रेलर तो शायद से मैं अपने फोरेज हार्वेस्टर के पीछे भी अटैच कर सकता हूँ, है ना। हाँ, फोरेज हार्वेस्टर के पीछे भी अटैच कर सकता हूँ। मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर से एक ट्रेलर लेकर चलता हूँ अपना, क्योंकि मेरे को अभी खाना वगैरह लेकर आना है गाय के लिए, तो अभी ले आता हूँ। बाद में क्या लाना, अभी लेकर आते हैं उसको, है ना। तो इसको लेकर चलता हूँ, हे ले आता हूँ, बेसिकली हे की बात कर रहा हूँ मैं, तो हे आ जाएगा अपना। एंड फिर उसके बाद हे को यहाँ पर, हे थोड़ा कुछ हे यहाँ पर पड़ा हुआ है और कुछ हे वहाँ पर भी है, मतलब गाय के लिए शायद से हे वगैरह पड़ा हुआ है। साइलेज लाना पड़ेगा और स्ट्रो लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, अब बाकी यहाँ से मैं अंडे वगैरह लेकर चलता हूँ भाई। ठीक है, उसको बेकरी में डालते हुए चलेंगे आराम से भाई, आराम से भाई, कुचल जाएगा, ट्रैक्टर के सामने आ रहा है। सीरियसली कुछ डर ही नहीं है भाई इन लोगों को, सीरियसली डरना चाहिए इन लोगों को भाई, इतना बड़ा ट्रैक्टर लेके घूम रहा हूँ मैं रोड पे, बट नहीं, इन लोगों को तो डर लगता नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ भाई अब एक ना बड़ा सा हार्वेस्टर भी परचेज करेंगे यार, ये छोटे वाला जो है ना अपना, मतलब ठीक है लेकिन यार स्पीड में ना बहुत स्लो है यार, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अपने को काम वगैरह करने में ना। बाकी एक काम करता हूँ, पहले इनको यहाँ पर लोड करना स्टार्ट करता हूँ, ऑटोमेटिक लोड पे डाल देते हैं एंड सारा का सारा ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा। थोड़ा सा ज़रा इसको चेंज करते हैं। चलो गाइस, अंडे तो फिल हो चुके हैं, अभी इनको लेकर चलते हैं बेकरी पे एंड अंडों को ले जाकर ना बेकरी पे डाल देता हूँ। उसके बाद बस अपना एक ही काम रह जाएगा, शुगर केन वाला। ठीक है, फिर उसको कर लेंगे। यार मैंने ना इसको बहुत कोशिश करी प्लेन करने की, लेकिन यार ये ना ज़्यादा प्लेन हो नहीं रहा है मेरे हिसाब से। जितना मैंने प्लेन कर दिया ना उतना भी ठीक है, नहीं तो यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी सही में, पता है गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी यार यहाँ पर। बट ठीक है, मैंने ऑफलाइन में बैठ के इसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेन कर दिया, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी यहाँ पर चलाने में गाड़ी। बाकी थोड़ा सा बेकरी वाली जगह पे है प्रॉब्लम्स ना, तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी सही करेंगे। एंड यहाँ पे ना यार बेकरी के लिए कुछ और चीज़ें भी आती है, मैं ना वो भी लगाऊंगा डेकोरेशन में, वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी भी होती है। ठीक है, तो वो भी लगा देंगे यहाँ पर। फिलहाल के लिए जरा मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर सारे के सारे अंडों को उतार देता हूँ, उसकी टिप साइड चेंज करता हूँ और यहाँ पर उतारते हैं। सारी तो नहीं उतरी, मतलब थोड़ी सी उतर गई है। भाई सारे के सारे अंडे चले जाए तो अच्छी बात है। नो स्पेयर कैपेसिटी 4x। ओह भाई साहब, मतलब मैंने इतने सारे एग्स यहाँ पर गाइज वो कर दिए ना कि वहाँ पर अब जगह नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी एक काम करता हूँ, वापस से इसको लोड कर लेते हैं, अब क्या ही करें ना। चलो लोड हो गए अभी फिलहाल के लिए। एंड इनको ना मैं एक काम करता हूँ यार, अभी क्या ही कर सकता हूँ ना, अब मेरे पे एक ही चीज़ है करने को इस टाइम पे ना, तो मैं इन एग्स को यहाँ पर उतार देता हूँ। कुछ टाइम बाद यहाँ से इनको लेकर जाऊँगा भाई, ये किसी काम तो आएंगे एक्चुअली मेरा, मेरे को लग रहा था ये शायद किसी काम नहीं आने वाला गाइस, बट ठीक है ये इसी काम आ जाए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट किसी काम तो आएगा ना। तो इसको यहाँ पर उतार देता हूँ मैं एंड यहाँ से ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं फटाफट से। बाकी मैंने पता क्या सोचा था, यहाँ पर ना थोड़ी बहुत डेकोरेशन करेंगे और इसको ना अच्छा सा बनाएंगे, घूम जाएगा पूरा, घूम गया नाइस। एग्स वगैरह हो गए हैं, अभी शुगर केन रह गई है, तो शुगर केन का करेंगे काम। फिलहाल के लिए जरा मैं इसमें ना खाना वगैरह ले लेता हूँ, हे ले आता हूँ फिलहाल के लिए, काफ़ी सारा नहीं यार हे तो एक्चुअली में पड़ा है थोड़ा बहुत, बट हे की भी नीड पड़ने वाली है मेरे हिसाब से, तो मैं एक काम करता हूँ ना हे ले ही आता हूँ। ठीक है, हे ले लेता हूँ, स्ट्रो ले लेता हूँ, साइलेज ले लेता हूँ, एक एक करके हम यहाँ पे सारा का सारा जो आइटम है वो अपने फार्म पे छुड़वा देंगे। और मेरे को एक फोरेज हार्वेस्टर परचेज करना है और एक ट्रेलर परचेज करना है। पैसे तो अपने पास है तो आराम से आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। फिलहाल के लिए जरा इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पर पहले, ठीक है, इसको यहाँ पे खड़ा कर देते हैं आराम से।
और अभी भर लेंगे भाई। आज देखना यहाँ पे कितना ज्यादा पैसा लगने वाला है भाई, अपना बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। तो पहले चलते अपने फोरेज हार्वेस्टर पे, नहीं पहले मैं ना थोड़ी सी बेल्स वगैरह परचेज कर लेता हूँ एंड उनको लोड कर लेता हूँ। बेल्स में मेरे को चाहिए, राउंड भी ले सकता हूँ स्क्वायर भी ले सकता हूँ, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि मैं राउंड वाली लूँ, स्क्वायर वाली परचेज कर लेते हैं एंड मैक्स 8 जाती है तो ज्यादा परचेज कर लेता हूँ। ठीक है, ज्यादा परचेज कर लेता हूँ, वैसे भी नीड पड़ती रहती है अपने को। तो अभी मैंने ये तो ले लिया एंड भाई यहाँ पे देख रहे हो भाई किस तरीके से ये सामान लगा है भाई, कैसा भरूंगा मैं इनको, दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा स्ट्रो मैंने थोड़ी सी कम ले ली क्या, नहीं पीछे की साइड पर आ गई है, मैंने सोचा स्ट्रो कम हो गई है बट नहीं गाइस, मैंने बिल्कुल सही अमाउंट में स्ट्रो ली है। एंड फिलहाल के लिए पहले इनको छोड़ाऊं या फोरेज हार्वेस्टर भी परचेज कर लूं, वैसे आना तो मेरे को पड़ेगा यहाँ पर ना, तो एक काम करते हैं ना इसको ले लेते हैं, पहले इसको उठा लेते हैं, उसके बाद हम फिलहाल के लिए टूल को चेंज करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पर पहले ये सब कुछ लोड कर लेते हैं। भाई वो हवा में कहाँ लटक गया सीरियसली, एंड अभी और नहीं आएगा क्या यहाँ पर, मेरे को और भी तो भरना था यार, और नहीं आ पाएगा मुझे लग रहा है, ये तो गलत वाला सीन हो गया। वो हवा में कैसे लटक गया मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही भाई, ये इसमें आ जाएगा क्या और स्टोर, अबे यार एक टाइम पे एक चीज़ भरनी थी भाई, गलत भर दिया, ये नहीं भरना था यहाँ पर। एंड यहाँ पर भी मैंने खंभे वगैरह लगा दिए ना, तो अब मेरे को बहुत सोच समझ के चलाना पड़ेगा। बाकी मैंने बीच बीच पर भी लाइट्स लगाई है, एक्चुअली मैंने यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, अभी तक मैंने कोई ऐसा एपिसोड बनाया नहीं है जिसमें मैंने रात भर काम किया हो, मैं ना दिन में ही सारा काम खत्म कर देता हूँ। बट अगर कोई एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, देखना भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। फिलहाल के लिए जरा पहले स्ट्रो का काम कर दूँ क्या, स्ट्रो तो ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा है भाई, हे नहीं है यहाँ पर, तो हे मेरे को उतारना पड़ेगा। एक काम करते हैं यहाँ पर टिप साइड चेंज करता हूँ मैं, टिप साइड इधर वाली नहीं हुई क्या अभी, अभी हो गई, अब हो गई, एंड इसको ना यहाँ पर उतारते हैं रखो। ठीक है, अभी अपना पहले जरा यहाँ से हे चला जाए, हे जा नहीं रहा है भाई, एक सेकंड, मुझे लग तो रहा था, मुझे लग ही रहा था भाई ऐसे ही होगा कुछ। तो गाइस फिलहाल के लिए जो यहाँ पर मैं अनलोड कर सकता था मैंने कर दिया, एंड सारा का सारा एक्चुअली में ना वो भर नहीं रहा यार, मेरे को ना थोड़ा थोड़ा करके ही भरना पड़ेगा। मैंने ना बहुत सारा आइटम ले लिया वैसे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, उनको हम यूज़ करते रहेंगे, वैसे भी नीट पड़ती रहती है। बाकी स्ट्रो मैं ना यहाँ पर उतार देता हूँ, ठीक है स्ट्रो अपना सारा का सारा यहाँ पर रहेगा, इसके जस्ट बगल में हम ही रख देंगे, ऐसे ऐसे करके ना आइटम सारा यहाँ पर रहेगा अपना। एंड बाकी का जो आइटम है ना वो भी लेकर आता है, साइलेज की ज़्यादा नीड है अपने को, तो साइलेज पहले लेकर आना पड़ेगा, तो साइलेज ले आता हूँ भाई। मैंने गलत जगह से जा रहा हूँ, एक तो वहाँ पर जगह भी तो नहीं है, वहाँ पे मैंने शिप्स का वो बना दिया, एंड इधर की साइड से जा सकता हूँ मैं बस, तो इधर की साइड से निकलते हैं फटाफट से। फिलहाल के लिए इस साइलेज को ले जाकर भी छोड़ते हैं, एंड मेरे को अभी यहाँ से मिल्क निकालना है, वैसे मिल्क निकालने की जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि ना 40,000 लीटर है यहाँ पर मिल्क, एंड बेकरी और डेयरी में मैंने ऑलरेडी मिल्क कल ही भरा था शायद से, जहाँ तक मुझे याद है। फिलहाल के लिए इसकी टिप शर्ट चेंज करते हैं और इसको भी उतार देते हैं, ठीक है। साइलेज तो सारा ही आ गया भाई, साइलेज सारा आ गया, मतलब मैं साइलेज और लेकर आ सकता हूँ, ठीक है ले आएंगे साइलेज और ले आएंगे। फिलहाल के लिए जो मेरे को मिनरल लेकर आना है ना, मिनरल और ले आता हूँ यहाँ पर, एंड उसके बाद अपना जो खाने वाने का काम है ना गाय का वो मैं निपटा देता हूँ, एंड उसके बाद फोरेज हार्वेस्टर लेकर आएंगे, फिर उसके बाद ना अपना जो शुगर केन का फील्ड है उस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट से वाला काम जो है ना मैं निपटा देता हूँ, 20-30 पैलेट से कराया था, ठीक है, तो वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर डाल दिए। अभी लॉन्ग टर्म के लिए मैंने यहाँ पे इनका खाने का इंतजाम कर दिया, साइलेज वगैरह थोड़ा बहुत वहाँ पर और पड़ा हुआ है, स्ट्रो पड़ा हुआ है, वो भी मैं बाद में लाकर यहाँ पर डाल दूंगा। फिलहाल के लिए इस वाले टिलर को लेकर मैं वहीं पर जा रहा हूँ, एंड इस टिलर को मैं सोच रहा हूँ वहीं पर खड़ा कर दूंगा, क्योंकि ना इसकी नीड अभी मेरे को वहाँ पर पड़ने वाली है, तो वहीं पर इसको खड़ा कर देंगे, नहीं तो मेरे को वापस यहाँ पर आना पड़ेगा, है ना, वहाँ से स्ट्रो वगैरह भी आ जाएगी बाद में, तो इसलिए मैं इसको वहीं छोड़ाऊंगा। बाकी गाइज मेरे को वहाँ से एक फोरेज हार्वेस्टर चाहिए, एक ट्रेलर चाहिए, तो ट्रेलर मेरे को बड़े वाला परचेज करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ जो उसमें मैक्सिमम वाला ट्रेलर होगा ना, मतलब मेरे हिसाब से शायद से वो है 11.5 टन का है शायद से, मैंने कभी वो पहले लीज पे भी लिया था, ठीक है, तो वो वाला परचेज करेंगे, वो बहुत बढ़िया है। बाकी गाइस मैंने यहाँ पर एक व्हीकल की डीलरशिप बनाने की सोच रहा हूँ, तो आप मेरे को बताना कमेंट्स में मेरे को व्हीकल की डीलरशिप यहाँ पर बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ जो ये वाला फील्ड है ना, ये काफ़ी बड़ा फील्ड है, एंड इसमें आराम से हम डीलरशिप वगैरह बना देंगे, इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट वगैरह भी कर पाएंगे। तो मेरे को बताना कि मेरे को बनानी चाहिए नहीं चाहिए, तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ज़रूर से उसको बनाऊँगा। फिलहाल के लिए ना इस ट्रेलर को मैं यहीं कहीं पर खड़ा कर देता हूँ यार, यहाँ पर मेरे हिसाब से ठीक होगा, वैसे भी यहाँ पर कोई आता जाता है नहीं, ठीक है, इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं। एंड यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक ट्रेलर और एक फोरेज हार्वेस्टर, ठीक है,
तो दोनों आइटम यहाँ से मिल जाएंगे। बाइक इतनी महंगी होगी मशीन, मेरे को एक बार वो चेक करना है यार। पहले फोरेज हार्वेस्टर पे चलते हैं एंड सबसे बड़ी वाली मशीन लेंगे, ये वाली। ये पड़ रही है अपने को 5,15,000 यूरोस की भाई, सीरियसली। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है ना एक्चुअली में वो ज्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली ले लेते हैं। 26 लीटर तक का ये कर सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं, 26 लीटर तक कर सकता है, बाकी सारे कम वाले हैं। ठीक है यार, चलो परचेज कर ही लेते हैं। वैसे भी अपने को बार बार इसको लेना ही पड़ेगा लीज पे, तो सच इसको परचेज करके रखो एंड इसको यूज करके ना हम बाकी फील्ड्स पे भी जाकर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और अपने फील्ड्स पे भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड व्हील सेटअप में कर सकता था, शिट भाई मैं व्हील का सेटअप करना भूल गया। लॉन्ग पाइप भी ले सकता था मैं इसमें, ठीक है, शायद से वो तो मैं कस्टमाइज करा सकता हूँ, तो मैं कस्टमाइज करा लूंगा। एंड एक मेरे को ट्रेलर भी चाहिए ना, तो ट्रेलर भी जल्दी से परचेज कर लेते हैं। कौन सा वाला ट्रेलर लेना पड़ेगा मेरे को एक बार चेक करना है। रुको, मैंने यहीं कहीं पर देखा था वो मैक्सिमम वाला, ठीक है, सबसे बड़ा वही है ट्रेलर, ये 10.7 का है, ये है गाइज वो 11.5 टन का, तो ये वाला मेरे को लेना है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इसको परचेस कर लेते हैं। इसका व्हील सेटअप भी मैं चेंज कर देता हूँ अभी, ठीक है, कवर वगैरह हाँ ले लेते हैं, कवर वगैरह भी, ठीक है, ज्यादा महंगा तो है नहीं, ऐसे कवर वगैरह की ना नीड पड़ती नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ले लेते हैं। ठीक है, ये लो, ये भी आ गया अपने पास, 1,25,000 यूरोज गए भाई इस पे। ठीक है, चलो ठीक है यार, वो तो कोई बात नहीं। बाकी एक चीज अच्छी है कि दोनों जो चीजें है ना गाइस, मतलब दोनों जो चीजें इन द सेंस, जो हमारा ट्रेलर है और जो हमारा हार्वेस्टर है, वो सेम कलर का है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। बाकी इस पे कनेक्ट हो जाए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। एंड एक सेकेंड यार, इसको कस्टमाइज कराना था मेरे को, इस पे ना मेरे को लॉन्ग पाइप लगाना है, एक बार चेक कर लेता हूँ लॉन्ग पाइप यहाँ से लग जाएगा क्या। कस्टमाइज कराते हैं, लॉन्ग पाइप कितने का पड़ रहा है, 1500 यूरोस का पड़ रहा है, ठीक है ना, लॉन्ग पाइप चाहिए। एंड इसके जो टायर वगैरह है वो मेरे को चेंज कराना है, तो ये लो, ये भी चेंज हो गया। एंड अभी परफेक्ट भाई, अभी सारा का सारा काम कंप्लीट, बस इसको लेकर चलते हैं। एक चीज और भूल गया हूँ मैं, एक चीज और लेनी है भाई मेरे को, हेडर लेना था, मैं तो हेडर भूल ही गया भाई, हेडर के बिना कैसे काटूंगा मैं शुगर केन। तो हेडर वगैरह मेरे को यहाँ से मिल जाएंगे फोरेज हार्वेस्टर के, यहाँ पर कहीं पर था ये, मैंने मोड डाला था इसमें, ये वाला था, तो इससे मैं अपनी ना शुगर केन वगैरह काट सकता हूँ, तो इसको मैं ले लेता हूँ। डिजाइन वगैरह ये रखते हैं, कलर वगैरह यही रखते हैं, क्योंकि सेम ट्रैक्टर का कलर है ना, अच्छा भी लगेगा, है ना, तो ये वाला ले लेते हैं। एंड ये भी 1,20,000 यूरोस का पड़ रहा है भाई, चलो ठीक है कोई ना, अभी करना ही पड़ेगा इन्वेस्ट, कुछ भी कर लो, है ना, तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए लेकर चलते हैं इसको फटाफट से। एंड मैंने ना यहाँ पर पाइप को एक्सटेंड करने वाला इसलिए लिया क्योंकि अभी मेरे को क्या पता दूसरा वाला कोई वो लगाना पड़ जाए इस पर टिलर, तो उसमें अपने को हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये वाला ले लिया। और मेरे को टिलर लेकर जाना तो था यहाँ से, बट टिलर तो मेरा इसी से अटैच हो जाएगा ना शायद से, एक सेकेंड अटैच करके देखता हूँ। अटैच तो भाई इसी से होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा पंगा हो जाएगा भाई, इसी से अटैच हो जाए भाई प्लीज, हो जाएगा गाइस। नाइस, टिलर अटैच हो गया भाई, टिलर अटैच हो गया, पाइप का आउट कर लेता हूँ। एंड ये देखो पाइप को ना इस तरीके से हम इस पर रखेंगे और अपना हार्वेस्टर चलता रहेगा और यहाँ पे सारा का सारा जो आइटम है ना इसके अंदर आता रहेगा, तो ये बहुत सही तरीका है भाई। बाकी अभी मेरे को जरा उसको भी लेकर आना है यार, उसके लिए मेरे को पूरा का पूरा इस हार्वेस्टर को घुमाना पड़ेगा, नहीं तो काम जो है ना अपना होगा नहीं भाई। इसका थंबनेल कितना प्यारा आएगा ना, बहुत सही लग रहा है यार ये पूरे हार्वेस्टर, बट महंगा भी है गाइस, ठीक है, महंगा भी है। इसको फिलहाल के लिए यहाँ पर कनेक्ट मार लेता हूँ मैं एंड इसको भी जल्दी से यहाँ से लेकर चलते हैं भाई। कनेक्ट हो जाइयो यार, ड्रामे मत करियो बस, ठीक है, सीधा सीधा कनेक्ट हो जाइए। हो गया भाई कनेक्ट हो गया, नाइस, चलो लेकर चलते हैं। एंड मैं अपने ट्रैक्टर क्यों लेकर आया यहाँ पर फिर भाई, बेपाल तुम्हें ट्रैक्टर नहीं आ गया मेरा यहाँ पर, सीरियसली मैं सोच रहा ट्रैक्टर पे लगा के लेकर आना पड़ेगा मेरे को हार्वेस्टर, बट नहीं गाइज इसी पे आ गया अपना, और अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई भाई। अब इसको सीधा लेकर चलेंगे और जाकर के हार्वेस्ट करेंगे अपना पूरा का पूरा फील्ड भाई, और शुगर केन वाला भाई साहब, भाई हम तरक्की अच्छी कर रहे हैं। बाकी अंदर से जरा थोड़ा सा इसका लुक देखते हैं, अंदर से कैसा लग रहा है, कैमरा चेंज करो भाई, भाई काफ़ी सही है यार अंदर से भी लुक इसका, है ना, बहुत ज़्यादा एडवांस लुक है भाई। स्पीकर वगैरह लगे पड़े 24 वोल्ट के, मतलब उसमें धिक धिक गाने भी बजा सकते हैं मस्त, ठीक है। बाकी और क्या क्या है यहाँ पर, शायद से स्पीड वगैरह दिखाता होगा इसमें, और थोड़े बहुत छोटे मोटे कंट्रोल्स है जो कि शायद से पाइप वगैरह को कंट्रोल करने के लिए होंगे, हेडर वगैरह को कंट्रोल करने के लिए होंगे, तो यही सब चीज़ें हैं इसमें, बाकी और कुछ है नहीं। पाइप इन पाइप आउट का ऑप्शन है, और क्या क्या इसमें, टिप साइड्स वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ और लोअर कर सकता हूँ हार्वेस्टिंग का हेडर, अच्छा वो हेडर्स के लिए आगे के, ठीक है, गॉट इट। चलो फिलहाल के लिए जल्दी से चलते हैं वहाँ पर जाकर के, पहले जरा उसको हार्वेस्ट मार लेते हैं भाई अपने फील्ड को। भाई मेरे से ना वेट नहीं हो रहा, मेरे को देखना यार ये किस तरीके से वर्क करेगा यार, बहुत बड़ा फील्ड है और मेरे को लग रहा है ये थोड़ा जल्दी कर देगा। यहीं से दिख रहा होगा आप लोगों को कितना बड़ा फील्ड है ना, बहुत बड़ा फील्ड है भाई ये, बहुत बड़ा फील्ड है।
एंड अगर मैंने यहाँ पे शुगर बीट वाला वो टूल नहीं परचेस किया होता ना, तो मुझे लग रहा था बहुत दिन निकल जाते तब जाके मेरा ना ये वाला फील्ड पूरा प्लांट होता। फिलहाल के लिए इसको ओपन करते हैं। अच्छा, मेरे को पहले अनफोल्ड करना पड़ेगा, इसको अनफोल्ड मार देता हूँ। ऑल राइट, ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक है ये टूल। और खुलेगा क्या इसके बाद ये? शायद से अगर और खुल जाए तो मज़ा आ जाएगा ना। नहीं यार, इतना ही खुलेगा, इससे ज़्यादा नहीं खुलेगा। ठीक है, गॉट इट। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ मैं, एंड इसको ना थोड़ा सा इधर करके लगाना पड़ेगा मेरे को, ये यहाँ पर। नाइस भाई, देखो एक ही बार में करना है, मैं नहीं चाहता मैं बार बार इसके पीछे पड़ा रहूं, आधा आधा छोड़ छोड़ कर काम हो, तो फिर ना नुकसान ज़्यादा होता है उसमें, पेट्रोल लगता है। एक्चुअली मैं अभी मैंने एक भी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलाया क्योंकि ना मैंने सेटिंग कम करी हुई है, नहीं तो पेट्रोल बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है और उसमें अपना नुकसान भी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम कर रखा है। फिलहाल के लिए अभी हार्वेस्टर को ऑन करना है मेरे को, उसके लिए पहले इसको नीचे करना पड़ेगा एंड हार्वेस्टर को ना अब ऑन कर देते हैं। ठीक है, चलो गाइस अब देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता। यू डोंट हैव एक्सेस टू दिस, अब इस वाले पे तो है ना। ओह भाई साहब, भाई क्या सही है, और देख रहे हो भाई क्या सही भर रहा है ना पीछे, वाओ भाई। और अगर मैं अभी तक इसके वो छोटे वाले टूल से कर रहा होता ना, सोचो इसका आधा भी नहीं होता भाई, इसका आधा भी नहीं होता, दिमाग अलग खराब हो जाता उसको करने में ना। अच्छा हो मैंने ये वाला टूल ले लिया फिलहाल के लिए, चलो इतना तो हो गया। एंड भाई कितना परफेक्ट तरीके से हो रहा है यार, बहुत परफेक्ट तरीके से हो रहा है गाइस। बट ये है कि अपने को ना यार ये बार बार भरना पड़ेगा क्योंकि ना बहुत जल्दी जल्दी भर रहा है भाई, ये बहुत जल्दी जल्दी भर रहा है। फिलहाल के लिए जरा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ हार्वेस्टर को, एंड इसको घुमा कर लेकर आते हैं। एंड इसकी पावर भी काफ़ी अच्छी है यार, फोरेज हार्वेस्टर की पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, देख रहे हो बहुत ईजिली। अरे अरे पलटना मत भाई, पलटना मत, बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको सीधा करना। और अपने ना AI को हायर कर देता हूँ यहाँ पर, अभी अपना AI इसको पूरा का पूरा हार्वेस्ट कर लेगा। तब तक मेरे को ना यार वो ट्रैक्टर लेकर आना पड़ेगा वहाँ से अपना। एक सेकेंड, कोई और ट्रैक्टर ले आऊँ क्या, कोई और ले आऊँ या यही वाला लेकर चलूँ? वैसे ये वाला लेकर चलूँगा तो अपना काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, यही वाला लेकर चलते हैं यार। एक्चुअली में ना मेरे को वहाँ से वो सारा का सारा अनलोड भी करना पड़ेगा जब वो फिल हो जाएगा ना, तो एक काम करूँगा ना डिटैच मार लूँगा, और डिटैच मारने के बाद फिर उसको लेकर चलेंगे। और यहाँ से ना मैं दूसरे वाला टेलर लेकर चलता हूँ, जब तक मैं उसको छोड़ने आऊँगा तब तक वो दूसरे वाला जो है मेरा वो भर जाएगा। इस तरीके से काम करेंगे गाइस, ठीक है, जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा अपना। एंड ऐसी कर करके ना मैंने अपना जो बीट वाला वो बाड़े वाला जो फील्ड था उसको भी मैंने इसी तरीके से पूरा का पूरा हार्वेस्ट किया था। वैसे यार मैं ना सोच रहा था कि एक और वो परचेज कर लेता हूँ, है ना, एक और परचेज कर लेंगे यार, ट्रेलर की वैसे भी नीड पड़ती रहती है। बट ठीक है, अभी नहीं परचेज कर रहे, बाद में करेंगे, अभी तो इससे काम चला लेते हैं एंड उसके बाद फिर कभी ना उस वाले को भी परचेज करेंगे। इसमें यार एक तो आता भी कुछ नहीं है यार, ये बहुत छोटा सा है, बट ठीक है अपने को छोटे वाला भी चाहिए क्योंकि हर लाइक टूल के ऊपर ना बड़े वाला नहीं चलता क्योंकि ना उसका साइज़ जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। फिलहाल के लिए जरा मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, ये भर भी गया भाई, देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा सामान दे रहा है भाई वो भर भर के अपने को, तो इसको फिलहाल के लिए यहाँ पर छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। अरे रुक जा भाई, रुक जा, यहाँ पर रुक जा, तू यहाँ पर रुक जा, एंड इस वाले टूल को पकड़ना है ना मेरे को। अबे यार ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, रुको, इस पर चढ़ते हैं, इससे डिटैच मारते हैं यार, ये हेडर ना डिटैच कर दे, एक सेकंड, मेरे को पीछे वाला करना है। AI हटाता हूँ पहले तो यहाँ से मैं, और टूल चेंज करता हूँ और इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, एक सेकंड रुको, या तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको ऐसे पीछे कर देता हूँ, ठीक है, और पीछे कर देता हूँ, नाइस। और ये वाला टूल जो है ना मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, वैसे मेरे को लगाना तो है ही भाई, बहुत सही चल रहा है यार ये हार्वेस्टर, बहुत तेज चल रहा है। अबे रुक जा, कहाँ हवा में डाले जा, अब इसने तो एक ही बारी में भर दिया से। ओह भाई भाई, ये तो गलत ही चीज चल रहा है गाइस, सही बता रहा हूँ मैं, अगर मैं इस वाले को लगाऊंगा बेफालतू में ही लगा रहा हूँ मैं तो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। इससे अच्छा तो थोड़ी देर में रोक ही लूँ उसको, है ना, क्योंकि तो तुरंत ही भर जा रहा भाई, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से इसे लगाने का। हाँ भाई नहीं है इसको लगाने का कोई फ़ायदा भाई, ये बहुत जल्दी भर जाएगा। चलो इसको यहाँ पे लगा दिया मैंने ऐसे, यार ये बहुत जल्दी जल्दी भरेगा यार, देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी भर रहा है। एक सेकंड भाई, मेरे को यहाँ से ट्रैक्टर हटाना है अपना, नहीं तो ये ठोक देगा उस ट्रैक्टर को मेरे। भाई रुक जा यार, एक सेकंड रुक जा भाई, कैसे आ रहा हूँ दिख भी नहीं रहा, बीच में भर गया क्या? अबे यार क्या ड्रामा है ये, इतनी जल्दी भर भी गया वो तो। अबे यार इससे अच्छा तो मैं नया ट्रेलर ना परचेज कर लूँ, ऐसी तैसी भाई मैं नया ट्रेलर परचेज करके लेकर आ रहा हूँ, रहने दो भाई, ये तो गलत सीन है यार, ये तो गलत सीन है, इससे अच्छा तो मैं नया ट्रेलर परचेज कर लेता हूँ। देखो भर भी गया भाई वो, यार इतना सा तो काम किया उसने, जस्ट एक सेकंड का भी काम नहीं होगा यार, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया।
ये बहुत गलत है भाई, मैं मेरे को नहीं चाहिए ये वाला ट्रैक छी भाई, वो बेकार है वाला ट्रेलर। मैं बड़े वाला एक और ट्रेलर लेकर आ रहा हूँ भाई, ठीक है, उसको वो लेकर आएंगे और उसको भी लगा देंगे यहाँ पर। अपना काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी तो होगा भाई, नहीं तो मैं तो पूरा रात भर बैठा रहूँगा ऐसे और काम भी नहीं होगा अपना। यहाँ से थोड़ी सी जगह है, हाँ यहाँ से चलते हैं और इसको ले जा करके ना फटाफट से ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप हो जाएगा ना ये? हाँ ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। इसको जस्ट ले जा करके अपने को यहाँ पर ड्रॉप करना है, ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा अपना आप ही। अनलोड हेयर, अनलोड हेयर, ओके गॉट इट गाइस। चलो भाई क्या सही है यार, मेरे को तो ये टूल बहुत सही लगता है यार, ये वाला टूल सबसे बेस्ट है मेरे लिए। बट मेरे को एक बार ये भी चेक करना है कि ये वाली जो शुगर केन की फसल है अपने को हेल्प करेगी भी या नहीं करेगी, एक बार उतर के चेक कर लेता हूँ। पहले थोड़ा सा अनलोड हो जाए उसके बाद चलेंगे, ठीक है। ये हो गया अनलोड एंड एक बार ज़रा चेक करते हैं भाई, ये यहाँ पर अपने को दे भी रहा है या नहीं दे रहा है थोड़ा बहुत शुगर। भाई ना दे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, क्योंकि उसका काटने का तरीका थोड़ा कुछ और था, इसका कुछ और है। नहीं आ रही है यहाँ पर फसल, तो अब ये देखो यहाँ पर शुगर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना इसने स्टार्ट कर दिया है। नाइस भाई नाइस। चलो इसको यहाँ पर मैं पहले डिटैच मार देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, ठीक है भाई। मैं फालतू में मैंने ना अपना टाइम वेस्ट कर दिया, ये बेफालतू में ही लाऊंगा, सही बता रहा हूँ मैं, बेफालतू में लेकर आया हूँ मैं। इस पर से AI को हटाते हैं, को ना यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है नाइस। एंड अभी ये वाला कनेक्ट करते, ओ भाई 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 भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहा है, ये तो उड़ रहा है, उड़ रहा है भाई, उड़ रहा है भाई, बहुत खतरनाक है यार ये, सही में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक्चुअली मैंने यार पता है इसकी खुद की स्टोरेज हल्की फुल्की है, और जैसे यहाँ से आप इसको चलाना स्टार्ट कर दोगे ना, ये सारा का सारा अपना आप ही फेंक देता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। देख रहे हो ऑटोमेटिक पकड़ भी लेता है भाई ये, मेरे को बहुत सही लगता है इसलिए वाला टूल। बाकी अभी तो बहुत बड़ा फील्ड है भाई हार्वेस्ट करने को, धीरे धीरे करके कर देंगे गाइस जैसे तैसे, है ना। अभी वैसे भी स्पेस नहीं है मेरे उसमें ना ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा हार्वेस्टिंग कर भी नहीं सकता हूँ यहाँ पर। मेरे को फिर रखना भी तो है ना इसको, कहाँ रखूँगा इसको ना, रखने के लिए जगह ही नहीं है मेरे पास, तो मेरे को वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी इस वाले को लेकर चलता हूँ मैं, वो छोड़ छोड़ के कर रहा है आधा काम अब। भाई सही से कर ले यार, छोड़ मत भाई, मेरे को दोबारा दोबारा करना पड़ेगा। वैसे तो चलो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, क्योंकि वो बहुत सही टूल है, बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेता है, स्पीड में चलता है बेसिकली वो, तो मेरे को थोड़ा सा सही लगता है, इस वजह से थोड़ा काम जो है ना अपना जल्दी जल्दी हो जाता है। फिलहाल के लिए इसको कनेक्ट करते हैं एंड पीछे से ही लेकर चलते हैं इसको, क्योंकि आगे से तो रास्ता बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है और घूम के भी आना पड़ेगा बहुत दूर से ना, तो इसलिए मैं इधर से लेकर चलता हूँ इसको। फिलहाल के लिए पहले इससे सारा का सारा अनलोड कर देते हैं, फिर मेरे को ट्रेलर अलग छोड़ना पड़ेगा। अब देख रहे हो यही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अगर मेरे को ट्रेलर नहीं छोड़ना पड़ता ना तो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता अपना, बट अब प्रॉब्लम यही हो रही है, क्या कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी शिप्स को खाना दिया था ना जहाँ तक मुझे याद है, हाँ शिप्स को मैंने खाना दे दिया था गाइस, शिप्स को मैंने ढंग से खाना दे दिया था। और इन्होंने कुछ वूल वगैरह दिए क्या? हाँ वूल वगैरह भी आनी स्टार्ट हो गई भाई वापस से, यार वूल से भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बट खाना भी देना पड़ रहा है यार, इनको खाना भी बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, और मैं बातों बातों में ना आगे निकल जाता अभी। एक सेकेंड, चलो इसको भी लेकर चलते हैं और इसको भी ना यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। चलो इसको ड्रॉप मारते हैं यहाँ पर, इसको वापस भी छोड़ना जाना पड़ेगा, ठीक है चलो इसको वापस भी छोड़ कर आ जाएंगे। ये हो गया अपना सारा का सारा शुगर केन खाली, नहीं यार अभी तो बहुत सारा बड़ा है भाई, इसने उठा तो पूरा दिया, एक साथ गिरा देना चाहिए ना इसको जब इतना ऊपर तक उठा रहा है तो। चलो ये हो गया खाली, अब इसको लेकर चलता हूँ। मैं सोच रहा हूँ अगर एक दो ट्रेलर में काम हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी यार अपना हार्वेस्टर नहीं कल्टीवेटर लगाना है मेरे को, तो वो भी लगाता हुआ जाता हूँ ताकि अपना कल्टीवेशन वगैरह ना वहाँ पे स्टार्ट हो जाए, ठीक है। पीछे वाली जो फील्ड है ना गाइस वो पूरी की पूरी कल्टीवेट करनी है मेरे को। इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे छोड़ते हैं एंड इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे खड़ा करता हूँ, क्योंकि यहीं से निकलना है मेरे को, तो इसको मैं लेकर निकल जाऊँगा। तब तक जरा मैं अपना कोई पावरफुल ट्रैक्टर देखता हूँ, इनमें से कोई ट्रैक्टर यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला ट्रैक्टर यूज़ कर लेता हूँ भाई। इसका बस का है तो नहीं उस कल्टीवेटर को चलाने का, यार वो बहुत ज़्यादा हैवी कल्टीवेटर है, लास्ट एपिसोड में लिया था मैंने एंड मुझे पता है यार ये बड़े वाले ट्रैक्टर से ही चलेगा। क्या करूँ, लगा दूँ? चलो लगा देते हैं, देखी जाएगी, चला लेगा थोड़ी देर तो काम कर ही लेगा इस पर। एक तो हैवी इतना भाई क्या छोड़ रहा है ये, एक सेकेंड, ये लो कनेक्ट तो कर दिया, भगवान भरोसे है इसका दम निकलने वाला है भाई इस ट्रैक्टर का, सच बोल रहा हूँ मैं।
भाई ये बहुत तगड़ा कल्टीवेटर है यार, सीरियसली अभी तक का सबसे बड़ा कल्टीवेटर ले आऊं मैं। एंड मुझे पता है ये इसके बस का नहीं है काम, ये दम निकल जाएगा इसका काम करते करते। फिलहाल के लिए यहाँ वाले को बाद में कर देंगे, पहले इधर वाले को कल्टीवेट कर देता हूँ पूरा, ठीक है। ये वाला एक बार कल्टीवेट हो जाएगा ना, उसके बाद दूसरे वाले को भी कल्टीवेट कर देंगे, ठीक है। इसको लगाता हूँ ऐसे करके, ऐसे परफेक्ट। चलो कोई ना, इसको इस तरीके से कर देते हैं। एंड इस पर ना हायर करता हूँ वर्कर, अभी अपना आप कर लेगा चलो जैसा भी कर रहा है करने दो इसको, बहुत बड़ा है वैसे भी टूल, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा अपना पूरा का पूरा फील्ड ना कल्टीवेट, कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं ऐसी। बाकी ये क्या कर रहा है, ये पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है नाइस। चलो ये भी पहुंच गया, तो अच्छा हुआ। एंड इसको फोल्ड करता हूँ पहले तो मैं, नहीं तो पेड़ में अटक जाएगा। यहाँ से पेड़ भी हटाऊंगा यार मैं, ये पेड़ की जरूरत नहीं है अपने को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ये, फालतू में लगा देता मैंने ये पेड़। हट बे, अभी बीच में मत आइयो, नहीं तो चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर, समझ रही है ना। इसको ले जा करके यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ। एंड बेफालतू में मैं इतना वेट किया, ये यहाँ पर लेकर भी आ गया इतने में टूल ना, इसको यहाँ पर लगा देते हैं जस्ट बगल में इसके, ठीक है। इसको सीधा करता हूँ थोड़ा सा ताकि आराम से खड़ा हो जाए, आराम से कर दियो भाई प्लीज़, आराम से कर दियो, ठीक है नाइस। ये भी खड़ा हो गया यहाँ पर। एंड इस वाले ट्रैक्टर को ही लेकर चलता हूँ यार, ठीक है ना, टेलरी तो लेकर आना है। अरे भाई भाई भाई, होले 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 होले, टेलरी तो लेकर आना है खाली, तो टेलर उठा कर ले आते खाली, है ना, इससे आ जाएगा। और वो चलो भाई आ गए हम अपन लोग यहाँ। एंड एक टेलर और परचेस कर लेते हैं बस, ठीक है। टेलर। बाकी यार अभी ग्रेप टेक्नोलॉजी पे भी वर्क करेंगे गाइस, ठीक है, धीरे धीरे करके हर चीज़ जो है ना हम प्लांट करेंगे, बट एकदम से नहीं होगी सारी चीज़ें, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, तो धीरे धीरे हर चीज़ों पे जाएंगे एंड सारी की सारी चीज़ें करेंगे। फिलहाल के लिए टेलर चाहिए मेरे को, तो मैं टेलर ले लेता हूँ। कहाँ गया वो टेलर, ये वाला था ना, हाँ यही था। इसके बाद कोई भी ऐसा टेलर नहीं है जो ज़्यादा आइटम ले जा सके, यही है भाई सबसे हाईएस्ट वाला, सबसे हाईएस्ट यही है बाकी, हाँ बस यही है भाई, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट से परचेस करता हूँ, इस पर वापस से वाइट टायर्स और इसका कवर भी ले लेते हैं, ठीक है। एंड और कुछ तो नहीं ना, नहीं ठीक है, चलो ज़्यादा महंगा नहीं था, ले लिया। एंड यहाँ पे कोई सेल चल रही है क्या भाई, ट्रैक्टर की सेल चल रही है गाइज, 1000 यूरो का मिल रहा है। और इसकी क्या हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर है 287, 505 लीटर, 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलता है। और जो मेरे पास ट्रैक्टर है उनकी हॉर्स पावर इससे तो ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से इसे परचेस करना नुकसान वाली बात होगी, तो इसको तो परचेस नहीं कर रहे। ट्रेलर मैंने परचेस कर लिया ना, ट्रेलर मैंने परचेस कर लिया, ट्रेलर लेकर चलते शांति से अभी यहाँ से, ठीक है। बेफालतू में ज़्यादा खर्चा नहीं करना, क्योंकि अभी मेरे को ज़मीनें भी खरीदनी है, बहुत सारे काम करने हैं और विंडमिल्स लगाने हैं भाई। विंडमिल पे पैसा खर्च करना था, मैं तो भूल गया, एक विंडमिल और लगाऊंगा ऐसे ऐसे करके ना, रोज़ ग्राइंड करेंगे और उसके बाद एक एक करके ना यहाँ पर विंडमिल्स लगाते जाएंगे। तो अभी मैंने एक विंडमिल लगाया था और विंडमिल लगाएंगे, देख रहे हो निकल गया ना दम इस वाले ट्रैक्टर का भाई ही। भाई ऐसे ऐसे ट्रेलर्स को खींचने के लिए ना दम चाहिए, और अभी जब मैं इसमें सामान डालूंगा सोचो तब कितना ज़्यादा दम निकलेगा इसका भाई, बहुत ज़्यादा वो है दिक्कत, सही बता रहा हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एंड थोड़ा सीधा करके लगा देता हूँ ताकि अपना ट्रेलर सीधा लग जाए एक बार, ठीक है। बस मेरे को यहाँ पे इसको छोड़ना है, ये देखो ये, ठीक है नाइस। ओ भाई ये तो पिचकारी मारने लग गया दूर से ही भाई, बड़ा खतरनाक है यार ये फोरेज हार्वेस्टर, सही बता रहा हूँ मैं गाइस, ये तो बड़ा खतरनाक है यार। चलो इसको यहाँ पे लगा देते हैं वापस से, एंड अभी एआई वर्क कर लेगा, ठीक है, अभी तो कर लेगा ना भाई, हाँ अभी कर लेगा। चलो और मैं फिलहाल के लिए जरा ये वाला ट्रैक्टर लेकर चलता हूँ, और इतना शुगर मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए काफ़ी होगा, बाकी मैं ऑफलाइन में काट लूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारा शुगर काटने को है यहाँ पर ना, तो वो मैं बाद में ऑफलाइन में करता रहूँगा। अभी इतने से काफ़ी सारा केक बन के रेडी हो जाएगा, एक दो दिन स्किप करके दिखाऊंगा आपको, देखते हैं कितना केक बनता है इससे ना। अंडे वगैरह भी आए हैं क्या, अंडे वगैरह भी चेक करना पड़ेगा भाई, वैसे अंडे वगैरह आने चाहिए यार, इतना सारा खाना दिया मैंने इनको, और अंडे कितने से दिए इन्होंने, थोड़े से बस, हाँ यार बहुत सारे अंडे आने चाहिए थे मेरे हिसाब से, बाकी एक बार चल के देखते हैं, रुको थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ। एंड ये लो, चलो इसको फटाफट से पहले अनलोड मार देते हैं, भाई मेरे को ना अनलोड होते हुए देखना था इसको पीछे से, बट ये उठता ही नहीं है, ये खाली ऐसे ही वर्क करता है यहाँ पर ना, कि इन्होंने कुछ मैकेनिज्म लगा रखा है जो पूरा का पूरा स्लाइड करके पीछे जाता है, सारा का सारा आइटम गिरा देता है। एंड ये भी हो गया, चलो ठीक है अभी फिलहाल के लिए निकलते हैं यहाँ से। एंड इसका कवर क्लोज करके देखूँ कैसा है इसका कवर, इसका कवर अच्छा होना चाहिए यार, क्लोज तो हो नहीं रहा ये कवर, क्यों नहीं क्लोज हो रहा इसका, दबा तो रहा हूँ एन, हो जा भाई कवर क्लोज, शायद सभी होगा कवर क्लोज, अच्छा पूरा का पूरा पहले बंद होता है उसके बाद कवर क्लोज होता है भाई, भाई बड़ा सही है यार ये तो, देख रहे हो
ओ भाई साहब, भाई इसका लुक भी बड़ा प्यारा सा आ रहा है यार, बड़ा प्यारा सा लुक आ रहा है इसका। बाकी मेरे को एक बार ये चेक करना है कि अभी कितना आइटम यहाँ पर पड़ा हुआ है एंड कितनी देर तक ये सारा का सारा आइटम चल जाएगा। एक सेकेंड, शुगर नहीं आई यार यहाँ पर अभी तक ना, मेरे को शुगर का वेट करना पड़ रहा है। यहाँ पे शुगर मिल में शुगर बन नहीं रही है क्या? शुगर केन तो मैंने डाल दिया यार, अब तो बननी चाहिए यार, क्यों नहीं बन रही शुगर केन? देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारा यार। अच्छा स्लो प्रोसेस है यार थोड़ा सा ना इसका। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये बना भी रहा है नहीं बना रहा है? एक सेकंड, मैंने सही सिलेक्ट करा हुआ है ना, शुगर बीट शुगर केन शुगर, हाँ ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है। अभी मैं एक काम करता हूँ, एक दो दिन को ना स्किप करता हूँ। एंड गाइस पैसे देखना, पैसे भी कितने अच्छे बढ़ेंगे यहाँ पर भाई, सही बता रहा हूँ मैं। पता नहीं यार पैसे इस बार बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यार मैंने उसके बाद से पानी तो भरा नहीं अपने ग्रीन हाउसेज में, चेक करेंगे। चलो कोई बात नहीं गाइस, है ना। एंड उसको करने से पहले मैं एक काम करता हूँ ना, मेरे को स्किप करना ही है दिन, तो विंडमिल भी लगा देते हैं ताकि अपने को और ज़्यादा पैसा मिले, है ना। सोना तो है ही जा करके खाली, तो मैं वो करके ही जाऊँगा ठीक है। फिलहाल के लिए ज़रा इसको यहाँ पर ही खड़ा कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए सेंटर में। एंड यहाँ की ना लाइट जला देते हैं यार, शाम का टाइम हो चुका है पूरा का पूरा एंड अंधेरा होने लगा है थोड़ा थोड़ा। देख रहे हैं यहाँ पे ना लाइट्स भी जलती है, कितना ज़्यादा प्यारा लगता है भाई ये, बहुत सही लगता है। एंड एक सेकंड भाई, पहले मेरे को विंडमिल लगाने जाना था तो पहले विंडमिल लगा देता हूँ। ये अपना आप घूमता है क्या विंडमिल? मुझे ऐसा लग रहा है ये घूम रहा है, हवा के हिसाब से घूम रहा है गाइस ये। अच्छा भाई मैं सोच रहा था, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है, मतलब क्योंकि मैंने ना इसको सीधा करके लगाया था बिल्कुल, लेकिन अभी ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसके जस्ट पीछे एक विंडमिल और लगा देते हैं, एक एक करके लगाएंगे यार, धीरे धीरे करके पैसा आ रहा है ना, तो धीरे धीरे करके करेंगे सारा काम ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसके जस्ट पीछे, एंड इसको भी घुमा देते हैं यहाँ पर ही ठीक है। इसको पीछे की साइड करेंगे, शायद से अपना आप ही हवा के हिसाब से कर लेगा कब कुछ ना। थोड़ा सा पास थोड़ा सा दूर, चार चार तो नहीं लगाने मेरे को, तीन तीन मेरे हिसाब से यहाँ पे सही होंगे यार, है ना, तीन तीन सही होंगे एंड परफेक्ट है। नाइस, चलो ये लग गया एक और मिनट में। ये देखो इसकी भी जो वो है ना, वो भी इधर की साइड पे हो गई, हवा इधर की साइड चल रही है एक्चुअली में, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी यहाँ पे कलर करना है यार मेरे को, ये रहा पेंटिंग, और फटाफट से ना पेंट करते हैं यार। रुको पहले बीच का कर देता हूँ पूरा, पहले बीच का कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसके बाद साइडों का कंप्लीट कर देंगे ठीक है ना, इजी पड़ जाएगा अपने को ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा पेंट कर दिया, एंड इसको ना मैंने डर्ट वाला रखा है ठीक है, थोड़ा सा लुक देने के लिए रखा है, अच्छा भी लग रहा है ना भाई, कीचड़ कीचड़ लग रहा है ऐसा थोड़ा सा, बट ठीक है। चलो अभी फटाफट से चलते हैं एंड जा करके पहले मैं सोता हूँ, और ये देखते हैं कि अपने को कितना पैसा मिलता है ठीक है, कितना पैसा मिलता है। थोड़ा सा क्लोज आना था मेरे को बस, इसलिए मैंने थोड़ा सा शिफ्ट मार लिया भाई, बस थोड़ा सा अच्छा पैसा मिल जाए यार, प्लीज़ अच्छा सा पैसा मिल जाए। एक बार सोकर देखते हैं, एंड एक बार जरा पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ, नेक्स्ट डे मैं हार्वेस्टिंग वगैरह कर सकता हूँ ना शुगर केन की? नवंबर चल रहा है, अगर मैं सो जाता हूँ तो दिसंबर आ जाएगा। गाइज सोना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, पहले मेरे को यहाँ पे एक सेकंड भाई, हार्वेस्टिंग का ही सीज़न है ना, हाँ यार ये हार्वेस्टिंग का ही सीज़न चल रहा है, तो अभी मैं सो भी नहीं सकता हूँ भाई, ये तो बहुत ही गलत सीन हो गया गाइज। अभी मेरे को पहले पूरी की पूरी ये हार्वेस्टिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जा करके हम सो पाएंगे। हा, ये तो थोड़ा सा झोल हो गया, चलो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं अभी के लिए ना। बाकी मुझे ना खुद से गिल्ट होता है कि यार मैंने यहाँ पर क्यों बाउंड्रीज बनाई होंगी, अब मेरे को पूरा घुमा घुमा कर ट्रैक्टर को ले जाना पड़ता है भाई, और जगह भी नहीं है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ले जाने में, अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी गाइस रात होने वाली है, मैं तो सोच रहा हूँ आप लोगों को रात दिखा देता हूँ एक बार भाई, रात देखोगे ना आप बोलोगे भाई साहब क्या सही हो रहा है यहाँ पर, बहुत सही वो हो जाता है भाई, बहुत सही चांदना हो जाता है। बट शायद से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा रात होने में, लेकिन मैं फिर भी एक बार कोशिश करता हूँ टाइम वगैरह बढ़ा करना, फिर आपको दिखा कर देखता हूँ एक बार, क्या पता आप लोगों को दिख जाए। इसको फिलहाल के लिए अनलोड कर देता हूँ यहाँ पर, ये अनलोड करेगा नहीं, मेरे को तरना पड़ेगा यार ओवरलोडिंग के लिए ना। इसका टाइम बढ़ाने का कुछ तो तरीका होता होगा, एक सेकेंड कैसे बढ़ता है टाइम भाई, फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर टाइम को? एक सेकेंड, यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है शायद, हाँ ये रहा 360 ये जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। चलो ठीक है कोई बात ना, देखो अभी लाइट जलनी स्टार्ट हो चुकी है वैसे ना, रात होगी ना तो लाइट जलनी स्टार्ट हो गई है, बहुत जल्दी आपको अंधेरा देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर चांदना भी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बस एक बार दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कैसा लगता है रात में। ऐसे रात हो गई भाई, रात हो गई, वाओ नाइस। अभी मैं वापस से टाइम को सेट कर सकता हूँ, इतनी तो रोड पे चांदना नहीं है जितना मेरा इस जगह पे चांदना है भाई, इस जगह पे जितना चांदना है ना उतना रोड पे चांदना नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, इसको मैं 5x कर देता हूँ वापस से, एंड देखो गाइज अभी मैं आपको ना पैदल आकर दिखाऊंगा, और इसकी लाइट भी जला लेते थोड़ा सा।
भाई ये ट्रेलर की लाइट बड़ी तगड़ी है यार, देख रहे हो ट्रेलर की लाइट भाई साहब। अभी मेरे को सोचो वो सारा का सारा जो काम है ना बिना लाइट में ही करना पड़ेगा यार, क्योंकि अब लाइट तो है नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एंड भाई दिखाई नहीं है तो मेरे को, यहाँ पर भी लाइट्स लगाऊंगा यार मैं, एक काम करूँगा यहाँ पर भी लाइट्स लगा दूंगा। यहाँ पर एक्चुअली में लाइट नहीं है ना, समझ लो कि ये रोड वाली लाइट ही है मतलब ना, मैं जो लगाऊंगा यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ की लाइट ऑन कर देते। यहाँ की लाइट ऑन है ये भाई, यहाँ तो बिल्कुल भी लाइट नहीं है, ये तो बहुत हल्की सी लाइट है भाई। इससे अच्छा तो मेरी लाइट से जो मैंने लगाई है बाहर, देख रहे हो क्या चमक रहा है भाई, स्टेडियम की लाइट से वो हल्का हल्का चांदना यहाँ पर देती है। यहाँ पर भी मैं सोच रहा हूँ लगाने की, यहाँ पर भी मैं लगा दूंगा, बाकी यहाँ पर भी अच्छी खासी लाइट है। एंड गाइस सामने हमारा फुल मून निकला हुआ है भाई, देख रहे हो फुल मून है भाई, यहाँ पर भी लाइट्स है वहाँ पर भी लाइट्स है, एंड हर जगह लाइट लगा दी है मैंने, ताकि हर जगह पे ना थोड़ा थोड़ा चांदना रहे। फील्ड्स पे नहीं लगाई है मैंने, बस गायों के लिए थोड़ी सी लाइट लगाई है ताकि उनको ना अंधेरे में ना बैठना पड़े, अच्छा सा लगे। एंड यहाँ पे क्यों लाल लाल हो रहा है पता नहीं, बाकी अपना जो फीडिंग रोबोट है खाना वगैरह खिला रहा है इन सबको। बाकी यहाँ पर भी देखो लाइट वगैरह लगा दी है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी लाइट ना यहाँ पर भी लगाऊंगा एक बिल्कुल ना कहीं पर, ताकि इनका पूरा का पूरा एरिया जो है ना वो लाइट से कवर हो जाए यार, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे गाय अंधेरे में रहेगी ना, थोड़ी सी लाइट्स होनी चाहिए। और यही वाली लाइट मेरे को सबसे सही लगती है अभी तक की ना, ये लो परफेक्ट। और कहाँ कहाँ पर लगा सकता हूँ मैं लाइट, एक सेकेंड, यहाँ पर लाइट लगाने को बोल रहा था ना मैं यहाँ पर कहीं पर, लेकिन यहाँ पर पता नहीं भाई सही है लाइट लगाना या नहीं, वैसे यहाँ पर लाइट लगेगी भी नहीं ना, ये अपना लैंड नहीं है एक्चुअली में। एक लाइट यहाँ पर लगा सकता हूँ मैं, तो एक लाइट यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा सा ऐसे घुमा कर लगाता हूँ ताकि चारों तरफ चांदना रहे, ठीक है नाइस। और कहीं पे लाइट्स वगैरह, यहाँ पर तो ऑलरेडी है, हाँ यहाँ पर लाइट्स लगा सकता हूँ मैं, वैसे यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो ना, यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है अब सही लग रहा है ना, देखो चांदना वानना हो गया बढ़िया सा। तो गाइस फिलहाल के लिए बस इस वाले एपिसोड को इतना ही रखते हैं, आई होप यार ये वाला एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जाकर के लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए एपिसोड के साथ। ओके गाइस बाय बाय।